वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है साइंस एके स्टडी 1024 पे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया है, थ्री कॉइन्स वर टॉस्ड 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वॉज नोटेड डाउन एज फॉलोज। मतलब क्या है कि यहाँ पर तीन सिक्के उछाले जाते हैं एक साथ और ये 30 बार उछाले जाते हैं। हर बार नंबर ऑफ हेड जो आता है उसका डेटा हमें गिवन है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली बार जब तीन सिक्के उछाले गए तो कोई भी हेड नहीं आया, मतलब तीनों को तीनों टेल आए होंगे तो जीरो नंबर ऑफ हेड आए। दूसरी बार जब तीन सिक्के उछाले गए तो एक पे हेड आया, बाकी दो पे टेल आया होगा, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ हेड एक हो गया। इस तरह से सारा डेटा हमें गिवन है। हमसे बोला गया है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब हमें एक टेबल बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉलम है वो हो जाएगा नंबर ऑफ हेड का, कितने नंबर ऑफ हेड आए, दूसरा टैली मार्क्स का और तीसरा फ्रीक्वेंसी का। अब देखो अगर सिक्के तीन उछाले जाते हैं तो या तो नंबर ऑफ हेड जीरो होंगे, मतलब तीनों में से किसी पे हेड नहीं आएगा, या फिर एक हेड आया होगा बाकी दो पे कुछ और आया होगा, या फिर दो हेड आए होंगे बाकी एक पे कुछ और, या फिर तीनों के तीनों सिक्कों पे हेड आ गए होंगे। मतलब नंबर ऑफ हेड जो है वो या तो जीरो होंगे या वन या टू या थ्री, ठीक है, इससे कम या ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो डेटा गिवन है बस टैली मार्क्स बनाते जाओ। सबसे पहले क्या है, जीरो वन टू, तो जीरो फिर क्या है वन, तो वन के आगे निशान लगाओ, फिर क्या है टू, तो टू के आगे निशान लगाओ, इसके बाद फिर क्या है टू, तो फिर टू आ गया, फिर वन टू थ्री, फिर क्या है वन, फिर क्या है टू, फिर क्या है थ्री, इसके बाद क्या है वन थ्री जीरो, यानी पहले वन फिर थ्री फिर जीरो, ठीक। इस लाइन में देखते हैं वन थ्री वन, यानी कि वन फिर थ्री और फिर वन, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाओ वन टू टू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये वन, फिर क्या है टू, फिर दोबारा से टू यहीं पे, फिर जीरो वन टू वन, ठीक है, जीरो वन टू वन, तो यहाँ से जीरो के आगे वन फिर टू फिर वन, फिर यहाँ पे आ जाओ थ्री जीरो जीरो, पहले थ्री फिर जीरो फिर जीरो, ठीक, फिर वन टू टू, वन वन टू, ठीक है, यहाँ से वन फिर दोबारा वन फिर टू, फिर क्या है थ्री टू टू जीरो, यहाँ से आ गया थ्री फिर टू और फिर जीरो, ठीक। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी हुई, पाँच और एक छः, पाँच पाँच दस, पाँच चार नौ और ये पाँच, ठीक है। तो इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, दस छः सोलह, सोलह नौ पच्चीस और पाँच तीस, ठीक है, तो ये हो गया इसका टोटल। हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।